इंदौर में 5000 से अधिक बालिकाओं और महिलाओं ने शस्त्र हाथ में लेकर नारी शक्ति और शौर्य का अद्भुत नजारा पेश किया। सेवा मेले के शुभारंभ के मौके पर शौर्य यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में बच्चियां और महिलाएं अपने हाथ में शस्त्र लेकर निकली। देखिए खास रिपोर्ट। माँ अहिल्या की नगरी इंदौर का इतिहास माँ अहिल्या के शौर्य और साहस से भरा हुआ है। 28 नवंबर को जब हजारों की संख्या में बालिकाएं और महिलाएं एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में भगवा ध्वज लेकर निकली तो सड़कों का ट्रैफिक रुक गया। हर कोई नारी शक्ति के इस शौर्य को अपने कैमरे में कैद कर रहा था। लालबाग परिसर में हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्थान एवं सेवा मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत इस शौर्य यात्रा से की गई। दशहरा मैदान से लालबाग परिसर तक आयोजित हुई शौर्य यात्रा में घोड़े ढोल नगाड़े का अनूठा संगम था, साथ ही आदिवासी संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। शौर्य यात्रा के दौरान आदिवासी कलाकारों के पारंपरिक नृत्य ने हर किसी का दिल जीत लिया। इस यात्रा का केवल एक ही संदेश है कि राज नारी को सशक्तिकरण नहीं सम्मान की आवश्यकता है, और इस यात्रा के विषय को जो समझता है कि नारी सशक्त स्वयं है, उसको केवल सम्मान की आवश्यकता है। और इस सम्मान की आज क्या, आज के परिप्रेक्ष्य में क्या आवश्यकता है, ये तो यहाँ की बहनें ही बता सकती हैं, जो आज के जीवन में अपना इतना कष्टकारक जीवन जीते हुए भी अपने आप को समाज में कहीं ना कहीं किसी उच्च स्तर पर रखे हुए हैं। लगभग 5000 से ऊपर महिलाओं की संख्या यहाँ पर है। शहर के लालबाग में 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक 5 दिवसीय आध्यात्मिक सेवा मेला होने जा रहा है। इसमें 30 नवंबर को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शामिल होंगे और मुख्य वक्ता रहेंगे। वहीं सेवा मेले में सेवा संस्थानों द्वारा सेवा कार्यों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।